हाय एवरीवन, क्या हाल है भाई मेरी जनता पार्टी का। आई होप आप लोग सब लोग बहुत मस्त हो, मज़े से हो। एंड इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ टू ई विद्यार्थी डॉट इन। चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जो कि है पेज नंबर 166 पे, एग्जाम्पल नंबर 9, और बहुत मज़ेदार बट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझाती हूँ। वी नीड टू फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 and -6 एंड -1 and -4। ओके, ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में जो भी आपका स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो मैं उसको एक डायग्राम के यानी कि ग्राफ के थ्रू आपको समझाती हूँ। सो आपको यहाँ पर क्या करना है ना, एक आपको ऐसा रेशियो ढूंढना है जिस रेशियो से हमें ये पता चले कि y एक्सिस हमारी एक लाइन को क्या कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सपोज मेरे पास ना ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट्स मुझे गिवन है। एक पॉइंट गिवन है 5 और -6, तो भाई यहाँ पर या फिर एक ऑल दो वैसे वो 5 और -6 वाला जो है वो नीचे बैठेगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको कहना क्या चाह रहा है कि कोई लाइन है, उसको डिवाइड कौन कर रहा है, उसको डिवाइड कर रही है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगी तो मान लो सपोज यहाँ पर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना, और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा 1, 2, 3, -1, -2, -3, जो मर्जी हो, बट x कोऑर्डिनेट ध्यान देने वाली बात है कि वो तो 0 होगा। तो हमें यही रेशियो निकालना है। ठीक है, और हमें साथ साथ क्या दे रखा है कि भाई अपने आपको पॉइंट्स हमने दे दिए हैं, प्लस आप ये भी बताओ कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर y एक्सिस आपकी लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें रेशियो भी निकालना है और मुझे ये वाला y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। क्लियर हो गया, क्योंकि एक तो हमें पता ही है कि एक तो हमारा जो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा। ठीक है, चलो तो अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो मुझे सबसे पहले रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का हमारा फेवरेट मेथड है k:1, तो मैं बिल्कुल वही मान के चलूंगी, लेट द रेशियो बी k:1। ये मैं कौन सा रेशियो अज्यूम करके चलती हूँ, वो रेशियो जिस रेशियो में हमारी लाइन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अब जब हम रेशियो मानते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या है, m1 x2, यहाँ लिख दूँ आप लोगों के लिए, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। चलो तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है m1 x2 / m2 x1 अपॉन, यहाँ पर m1 + m2 हम ऐड कर देते हैं, ये हमारा किसके लिए है, x कोऑर्डिनेट के लिए। और अगर मैं इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, m2 y1 / m1 + m2, है ना। तो ये पूरा हमारा ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करने अपने पॉइंट्स। ठीक है, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला व्हाट कैन आई से इज, सबसे पहला मैं एक्स का कोऑर्डिनेट लिखूँ। चलो, सो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, m1, m क्या है, k × x2, x2 क्या है मेरे पास, -1। ठीक है, उसके बाद m2 मेरे पास है 1, x1 क्या है, x1 हमारे पास है 5, तो ये लिख दिया। चलिए जी, हमने लिख दिया, यहाँ पर आ गया k + 1। अब m2, अच्छा अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट देखें, तो दूसरा कोऑर्डिनेट m1 यानी कि k, y2 यानी कि -4। ठीक है ना, बिल्कुल सही चल रहा है आप सबका, वेरी नाइस। चलो m2 हमारा 1, y1 क्या हो जाएगा, -6 अपॉन k + 1, है ना। तो ये मैंने क्या करा, मैंने अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि सिंस आर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, है ना, सो हम क्या लिखेंगे, सिंस वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हमें ये दिया हुआ है कि आपकी जो y एक्सिस है वो लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो इसकी वजह से हमें क्या मिला, देयरफोर x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो जब आप x कोऑर्डिनेट को 0 रखोगे
तो कैसे रखेंगे, बस उसी को ज़ीरो रख के हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आप ये देखो कि अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो मुझे किसी के इक्वल तो रखना होगा, और मुझे एक पॉइंट उसमें से ज़ीरो गिवन है, तो हम इसको रख देते हैं, है ना। चलो यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमारा जो x वाला पॉइंट है इसको आप फॉलो करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो अब इससे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस के प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई एनी थिंग विल बी 0, ठीक है। सब यहाँ पर अगर मैं साइन चेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं के को उधर लेके जाती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 इज इक्वल्स टू के, बट हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं, तो आप इसको क्या करो, नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा के किसके बराबर हो गया, के हमारे 5 के बराबर हो गया। तो मेरा रेशियो क्या आया, किस रेशियो में डिवाइड करा गया है, देयरफॉर द रेशियो, है ना, जो हमने रेशियो निकाला है इज 5:1, यानी कि 5:1, ठीक है, 5:1 के रेशियो में y एक्सिस ने लाइन को डिवाइड किया है। सो अभी तक हमने अपने क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, बट पूरा क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ पूछी गई है, दैट यू नीड टू फाइंड दी एक्सिस, सॉरी यू नीड टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ पर वाई एक्सिस आपसे लाइन आपकी लाइन से टकराती है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमें ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो चलो मैं यहाँ पर कर दूँ आपके लिए, या फिर देखते हैं यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इफ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी नीड टू फाइंड दिस, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये क्या आ जाएगा, माइनस, पहले इसे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस 6 अपॉन के प्लस 1 वाई कोऑर्डिनेट। आप इसको लिख दो कि ये हम क्या कर रहे हैं, अपना वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं, माइनस 4 माइनस 6 अपॉन के प्लस 1। अब आप क्या करोगे, के की वैल्यू रख दोगे, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 20 माइनस 6 अपॉन 6, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 26/6, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इज वाई ये जो हमारे पास पॉइंट आया है वो क्या आया है, माइनस 13/3, ठीक है। सो आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था वो पॉइंट हमारा क्या आंसर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया, -13/3, तो आंसर आ गया 0, -13/3। क्लियर हो गया आप सबको, चलो दिस इज़ वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। और आपको पता भी होना चाहिए ना कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको कभी बोल दिया गया है कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आप x कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे, अगर आपको बोल दिया x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आप क्या करोगे, बताओ ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए सो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, बड़े ऐसे क्वेश्चन के साथ, एक बड़ी ऐसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय।